बंदर की प्रजाति में ये सबसे खूंखार हैं, जिनके सामने गजेल, इम्पाला, तेंदुए और जंगली कुत्ते भी घुटने टेक देते हैं। यहाँ तक कि चीते जैसे जानवर भी इनके सामने दुम दबाकर भाग जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बबून की। इस वीडियो में आप कुछ बबून्स को भागते हुए देख रहे होंगे। दरअसल ये बबून्स की टोली इसलिए भाग रही है क्योंकि इनके पीछे एक शेरनी लगी हुई है, जिसे देख ये बबून्स वापस अपने झुंड में लौट जाते हैं। लेकिन फिर भी ये शेरनी इनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जब शेरनी इनके पूरे झुंड को देखती है तो वो झाड़ियों में छुपकर सही मौके का इंतजार करती है और बबून को अपने थोड़ा और करीब आने का मौका देती है। और फाइनली बबून्स की टोली शेरनी के काफी करीब आ जाती है और अब समय था हमला करने का, और शेरनी भी यही करती है। शेरनी के हमले से बबून्स के झुंड में अफरा तफरी मच जाती है। ये बबून अपनी पूरी जान से भागते तो हैं, लेकिन एक बबून मारा जाता है और ये सारा नजारा इस तेंदुए की नजर में कैद हो जाता है और ये भी सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी ऐसे ही यह शिकार कर लूं। और इसी चाहत को लिए ये तेंदुआ एक बबून का पीछा करते करते एक पेड़ तक पहुंच जाता है, जहां इसकी चाल इसी पर भारी पड़ जाती है और तेंदुए के हमला करने से पहले ही बबून उस पर ही अटैक कर देता है, जिसके चलते ये तेंदुआ पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन बबून्स का पूरा झुंड ही इस तेंदुए के पीछे पड़ जाता है और सभी बबून्स मिलकर तेंदुए को भगा देते हैं। लेकिन जब वो अपने इलाके में वापस आते हैं तो देखते हैं कि जंगली कुत्तों ने उनके इलाके में घुसपैठ कर दी है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये बबून्स जंगली कुत्तों को अपने इलाके से भगाएं तो भगाएं कैसे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जंगली कुत्ते कितने खतरनाक शिकारी होते हैं, जो अपने हमलों से बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेते हैं। अब ये बबून्स पूरी एकता के साथ इन जंगली कुत्तों से भिड़ते तो हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक बबून घायल हो जाता है। लेकिन किसी जंगली कुत्ते की हिम्मत नहीं होती कि वो उस जख्मी बबून को छू भी ले। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।